नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरुण मिश्रा। आज भारत बंद है। अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है, जिसमें देश भर के दलित संगठनों, साथ ही हाल ही में सांसद बने चंद्रशेखर आजाद राबड़ और उनकी पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती, बिहार से पप्पू यादव समेत तमाम दलों ने इसका समर्थन किया है। अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय अजय प्रकाश जी। तो अजय सर, हम आपसे इस पूरे मुद्दे पर बेबाकी से बात करेंगे और इस पूरे मुद्दे को जानने की कोशिश करेंगे, इसके तह तक जाएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों संगठन इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का वो क्या फैसला है जिसको लेकर संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही अब संगठनों की क्या मांगे हैं जो वो लगातार प्रदर्शन के माध्यम से मांग रहे हैं। तो मेरा पहला सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है कि आखिर ये जो संगठन है प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। शुक्रिया अरुण, बातचीत के लिए धन्यवाद। और बेहद जरूरी सवाल है और यह समझना जरूरी है कि आज के दिन इस देश का सबसे गरीब तबका, जिसको कि एससी और एसटी कहते हैं, जो अगर गांधी जी के शब्दों में कहें तो समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा वह व्यक्ति प्रदर्शन कर रहा है अपने हक के लिए इस देश में आजादी के 78 साल बाद, कि उसे बांटा ना जाए और उसके मिले हुए अधिकार को छीना ना जाए। यही दो मसले हैं अरुण आज के इस प्रदर्शन के। मुख्य तौर पर दो बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कही थी पिछले दिनों, दो शब्द हैं पाठकों को थोड़ा सा बताना चाहेंगे हम लोग, कि एक वर्गीकरण है, दूसरा क्रीमी लेयर है। वर्गीकरण के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और क्रीमी लेयर के खिलाफ तो सभी हैं एक तरफ से। वर्गीकरण को लेकर फिर भी दलित समुदायों में दो मत है। एक मत यह कहता है कि दलित समाज और आदिवासी समाज में कई सारी उपजातियां ऐसी हैं जिनका की आरक्षण मिलने के बाद से सही ढंग से रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व आरक्षण में नहीं मिल पाया है, और उसमें कुछ एक जातियां वर्चस्व में हैं या ज्यादा संख्या में। दूसरा एक पहली इसमें क्रीमी लेयर का है। कोर्ट में अलग अलग जातियों समुदायों के लोग इस मामले को लेकर गए थे पार्टी के, लेकिन उनमें से किसी ने क्रीमी लेयर की मांग नहीं की थी। मतलब किसी भी पिटिशनर ने यह मांग की थी कि एससी समाज में वर्गीकरण हो, लेकिन क्रीमी लेयर की मांग नहीं की थी। क्रीमी लेयर का सवाल या निर्देश या आदेश कहें, यह सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा है अपनी तरफ से, कहा है और सरकार से ये बात तो कही गई। इसमें तो सबसे बड़ा सवाल जो आपने बताया कि जो पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट गए थे दलितों के आरक्षण में वर्गीकरण की मांग की थी, क्रीमी लेयर की मांग नहीं थी इसमें, इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः जोड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वतः जोड़ा है और इसी स्वतः के खिलाफ ही सवाल है। कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं। भारत का एक समाज जातिवादी समाज है, जातीय वर्चस्व का भी समाज है और अपनी अपनी जातियां प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में उनकी जातियों को लेकर भी लोगों ने सवाल खड़ा किए। खैर, यह एक अलग सवाल है, लेकिन यह बात कही जा रही है कि क्रिमी लेयर का पहलू आप क्यों जोड़ते हैं उस दलित समाज में, जिस दलित समाज की नौकरियों में भी और एडमिशन में भी, मतलब प्रवेश में भी, परीक्षाओं में भी, जो स्कूली परीक्षाएं हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की, दोनों ही जगहों में रिक्त पद रह जाते। उनका यह कहना है कि क्रीमी लेयर तो आप उस समुदाय या जाति में करेंगे जिस जाति में सीटें भर जाती हो, और गरीब समाज के उन जातियों के लोग आरक्षण का लाभ नहीं पा पाते, लेकिन एसटी और एससी दोनों ही समाजों, आप दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर और मतलब देश का आखिरी राज्य अरुणाचल प्रदेश और इधर कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी विश्वविद्यालय कॉलेज या फिर नौकरियों में जाएंगे तो पाएंगे कि एससी और एसटी समाज की नौकरियां खाली रह जाती हैं और उनको बाद में सवर्ण कैटेगरी से भरा जाता है। तो असल में अरुण ऐतराज यही है कि यह पीछे के दरवाजे से कोर्ट के माध्यम से मोदी सरकार आरक्षण को खत्म करने की एक साजिश कर रही है। अब इसका राजनीतिक महत्व क्या है या राजनीतिक
जवाब किस तरह से अगले चुनाव में जनता देगी वह तो हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन मूल बात यह है कि जनता को आरक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थी समाज को यह लग रहा है कि यह हमारे आरक्षण को खत्म करने की साजिश है और दलितों को आपस में लड़ाने की साजिश है। ये मूल बात है। दलित ये कह रहे हैं कि मान लिया जाए कि कोई जाति विशेष जैसे उत्तर प्रदेश में जाटो समाज के इसमें, लोग इसमें जो सवाल सबसे बड़ा उठ के आ रहा है, लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो आरोप वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट और भाजपा सरकार दलितों को बांटने की साजिश कर रही है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं, इस बात को आप भी मानते हैं? देखिए ये बहुत ही जरूरी सवाल है कि किस तरह से जनता ने सरकार और कोर्ट को बाइनरी समझ लिया है, मतलब एक दूसरे के साथ समझ लिया है, जबकि हमारे कानून की धाराओं में और लोकतंत्र संविधान में ये दोनों अलग अलग चीजें। लेकिन यही मोदी सरकार ने ही ये प्रैक्टिस कराया भी है। जैसे याद करिए राम मंदिर, राम मंदिर का फैसला ए टू जेड कोर्ट का फैसला है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी समेत उनकी पूरी पार्टी और उनकी मातृ संगठन आरएसएस ने सारे का क्रेडिट लिया। तो अगर सरकार को जो मैसेज जो जनता को देना था वो दे दिया उन्होंने, जनता समझ गई कि मंदिर किसने बनवाया है। तो जो क्रेडिट आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुद की पार्टी का ले लिया, वही क्रेडिट अब जनता आपको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, एससी एसटी वर्गीकरण के फैसले पर आपके जरिए दे रही है। यानी यह दोनों दो चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट और सरकार मोदी की। लेकिन अब चूंकि भारत के इस तरह के पिछले 10 वर्षों में रास्ते प्रधानमंत्री ने प्रशासनिक रिवाज के निकाल दिए हैं कि ऐसा लगता है कि दोनों एक ही चीज है, और जाहिर तौर पर जनता यही मानती है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार भाजपा, यहां तक कि एक कदम आगे बढ़कर राहुल गांधी ने यह कह दिया था, लेटरल एंट्री जो कल ही यू टर्न लिया है सरकार ने, वो भी इसी प्रदर्शन का वो भी हिस्सा है कि लेटरल एंट्री का मतलब यह है कि आरएसएस के कारिंदों को, उसमें बैठे लोगों को और उस माइंडसेट के अधिकारियों को बिना आरक्षण के सीधे उपसचिव संयुक्त सचिव बनाना। तो ये इस साजिश की तरह लोग देख रहे हैं इसको कि आरक्षण के खात्मे का एक पूरा रोडमैप तैयार किया गया है। और जाहिर तौर पर है, जैसे ये सवाल कोई गैर वाजिब नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट से वर्गीकरण मांगने क्रीमी लेयर का कोई सवाल नहीं उठा था तो सुप्रीम कोर्ट को जरूरत क्या पड़ी थी। हालांकि बचाव में सरकार ने कहा है कि इसे हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन प्रश्न ये भी है कि इसकी जरूरत क्यों बार बार पड़ जाती है। अभी आप एससी एसटी वर्गीकरण के मामले में पीछे हटे तो फिर लेटरल एंट्री कैसे लेकर आ गए भाई, लेटरल एंट्री करने की जरूरत क्या पड़ जाती है। आप कहते हैं कि देश में सर्वाधिक जो क्षमतावान अपने क्षेत्रों के लोग हैं उनको बिना आरक्षण के जरिए हम लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप ये कहते हैं कि आरक्षण से आए लोगों में संभावनाएं और क्षमताएं कम हैं, इसका मतलब यही है। तो सवाल ये है कि आप भर्ती किसकी करेंगे। तो भर्ती आप जाहिर तौर पर जो आपके करीब के लोग होंगे उन्हीं की करेंगे, इसलिए लेटरल एंट्री का रास्ता आपने निकाला है। जी, तो ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल उठ के ये आ रहा है, क्या बीजेपी के लिए जो 240 का आंकड़ा है उससे बीजेपी बाहर नहीं निकल पा रही है, क्योंकि लगातार कई सारे आदेश आए, जैसे ब्रॉडकास्ट बिल था उसको भी सरकार पेश करने जा रही थी, वो भी नहीं किया, वापस आई। लेटरल एंट्री का जैसे आपने अभी जिक्र किया, वो भी सरकार को वापस लेना पड़ा। इससे पहले जेपीसी में जो मांग थी उसको भी जाना पड़ा, वक्फ बोर्ड का जो बिल था उसको पेश किया था, हालांकि वो जेपीसी में गया। तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी हर मुद्दे पर प्रखरता से जनता के सामने आती है, तो इस मुद्दे पर जो ये भारत बंद का आह्वान है इस पर कहीं ना कहीं शांत आपको दिखाई दे रही है, कोई ऐसा बयान या ऐसी कोई बात पार्टी की तरफ से सामने नहीं आई है? अगर वो ये गलती करते हैं, इस पर कोई बयान देते हैं, तो उनके सामने 3 राज्यों के चुनाव हैं जहां एससी एसटी समुदाय और पिछड़े समुदायों का बहुत बड़ा हिस्सा है। उसमें सबसे बड़ा राज्य है झारखंड, उससे भी ताकतवर राज्य है महाराष्ट्र, और उससे भी कम बड़ा और प्रभावित करने वाला राज्य नहीं है हरियाणा। हरियाणा जैसे राज्य में 4 साल का सजायाफ्ता
राम रहीम जो अपराधी है बलात्कार का, हत्याओं का, षड्यंत्रों का, लोगों को नपुंसक बनाने का, सैकड़ों औरतों की जिंदगियां बर्बाद करने का, उस आदमी के 4 साल की सजा में भारतीय जनता पार्टी 235 दिन से ज्यादा उसको पेरोल पर रखती है अरुण, सिर्फ इसलिए रखती है क्योंकि वह दलितों का वोट दिलवा सकता है हरियाणा, इसलिए वह बलात्कारी, वह रेपिस्ट जो है, वह भारतीय जनता पार्टी के निगाह में बार बार छोड़े जाने लायक पेरोल पर पात्र बन जाता है। तो इसलिए वोट की ताकत ही इस भारत में एक ताकत है जो एक तरह का शेयर है। जैसे अगर हम भारत की सरकार को या भारत के पूरे 140-142 करोड़ लोगों को उपभोक्ता की तरह लें, तो आप समझिए 140 करोड़ के इस देश में हर एक आदमी का एक शेयर है जो उसके उंगली पर निशान, और उससे ये पूरे देश में भागीदार। इसलिए ये कहीं कुछ नहीं बोलेंगे, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उतने भर करेंगे, यह वापस ले चुके हैं। दलित समाज इसलिए प्रदर्शन कर रहा है कि तुम हिम्मत मत करना गलती से भी इसको फिर से सोचने की या लागू कर, अन्यथा सरकार अपनी जगह पर वापसी की बात कर चुकी। लेकिन यह जैसे कहते हैं ना, एक धक्का और दो, तो दलित और आदिवासी समाज के लोग, चाहे वह लेटरल एंट्री हो या फिर यह भारत बंद का जो आह्वान है, वो इसीलिए है कि एक धक्का और दो कि प्रधानमंत्री मोदी 15 दिन के भीतर जिस तरह 3 मसलों पर, लेटरल एंट्री, वक्फ बोर्ड और SC/ST वर्गीकरण, जिस तरह से यू टर्न लिया है, वह यू टर्न लेने की जरूरत ही ना पड़े, हिम्मत ही ना पड़े। और अगर कोई कानून आप बनाना चाहते हैं तो इस देश में जिस समाज के लिए बनाना चाहते हैं, जिन लाभार्थियों के लिए बनाना चाहते हैं, जिसकी चिंता में बनाना चाहते हैं, उनके लोगों को बैठाइए, उनके प्रतिनिधियों को बैठाइए, उनके जातीय प्रतिनिधित्व दीजिए, और तब फैसला लीजिए कि क्या SC/ST में वर्गीकरण की जरूरत है, या SC/ST में इतनी ज्यादा ताकत आ गई है कि उसमें क्रीमी लेयर पैदा हो गए हैं। उनके यहां जो क्रीमी लेयर पैदा हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि हैं, थोड़े बहुत जाहिर तौर पर जो IS/PCS बन रहे हैं उनके बच्चे क्रीमी लेयर कैटेगरी में आएंगे, लेकिन सवाल यह है कि जितना पद उनके लिए आरक्षित है वो तो उतना ही नहीं भर रहा है, तो उनका क्रीमी लेयर खाए और चाहे गरीब आदमी खाए, इससे आपकी क्या दिक्कत है? ये सवाल मूल तौर पर है, और इसमें मुख्य संदेश ये है, आरोप ये है उनका, कि आप हमारे समाज को बांट रहे हो और हमारे आरक्षण के खत्म करने के नए नए रास्ते हर रोज आप तलाशते रहे। जी अजय जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस भारत बंद का जो सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या फिर बात करें तो राजस्थान में देखने को मिल रहा है, तो इसको आप क्या मानते हैं, इधर ही क्यों ज्यादा असर ये देखने को मिल रहा है? हाँ, ये एक बेहतर है, जानकारी जरूर रखनी चाहिए हम सबको कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल ये दोनों ही राज्य देखे हम तो, एक मीणा बहुल राज्य है जो कि राजस्थान है, आदिवासी समाज का राज्य है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश कहें, जाटो समाज आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ लेता है। बिल्कुल, तो ये दोनों समाज उपवर्गीकरण जब होगा तो उससे थोड़ा उनको नुकसान होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई 10 रुपया है, 10 रुपये का अगर कोई आरक्षण या 10 पद है, तो उत्तर प्रदेश में अगर 10 पद दलितों के लिए आरक्षित हैं या आदिवासियों के लिए 10 पद राजस्थान में आरक्षित हैं, तो उनका 50% के आसपास या उससे ज्यादा भी पर जो नौकरियों का कब्जा है वो इधर जाटव समाज का है, उधर मेड़ा समाज का है। संघर्ष इस बात को लेकर है, लेकिन इसी के उलट दलित समाज में बहुत सारे ऐसे भी तबके हैं, यहां तक कि OP शुक्ला नाम के जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, संयुक्त सचिव रहे भारत सरकार में, वो दलित वाल्मीकि समाज के नाम बस OP शुक्ला लिखते हैं, वो वर्गीकरण के एक पिटिशनर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, वो पिटिशन लेके गए थे क्योंकि वो मानते हैं कि वाल्मीकि समाज का दलितों में कोई सरकारी नौकरियों प्रतिनिधित्व ही नहीं। वाल्मीकि समाज जो ये सफाई कर्मचारी होते हैं, आप सब देख सकते हैं कि उनके लोग कितने पढ़ते लिखते हैं, कितने जाते हैं। इसी तरह आप बिहार में मांझी साहब हैं, हम पार्टी के जो नेता रहे, वो कहते हैं हमारे मुसहर समाज कितने लोग हैं, नट समाज के लोग हैं, वो कितने लोग हैं। तो वर्गीकरण से जाहिर तौर पर इससे फायदा तो होगा, तो उसी लिए इसका सबसे ज्यादा विरोध है, क्योंकि इसके सबसे बड़े लाभार्थी जो हैं इन दोनों राज्यों में, इन दोनों समुदायों के लोग हैं, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। इसलिए वर्गीकरण का फैसला इतना आपराधिक नहीं है जितना कि
क्रीमी लेयर पर फैसला है, लेकिन वर्गीकरण के फैसले को लेकर एक कोशिश करनी चाहिए कि सामाजिक जवाबदेही और सामाजिक जागरूकता भी बनाई जाए, जिससे ये न लगे कि कोई पार्टी या कोई संगठन सरकार के खिलाफ गलत संदेश दे कि आरक्षण को खत्म करने की कोशिश है, या उल्टा ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट फैसला ले लेता है, मोदी जी उसको सरकार लागू करने के बारे में सोचने लगती है, तो ये दिक्कतें हैं जी। अजय सर, भारत बंद का तमाम विपक्ष की पार्टियों ने समर्थन दिया है और सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में विपक्ष की पार्टियां जो मेन है वो कांग्रेस या यूपी से समाजवादी पार्टी, तो इनके नेताओं का कोई ऐसा साफ तौर पर बयान सामने नहीं आया है कि इस भारत बंद का ये लोग समर्थन कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही जरूरी और राजनीतिक सवाल इस मायने में है कि राहुल गांधी ने बहुत सीधा सपोर्ट या उनकी पार्टी ने नहीं किया है, हालांकि इसके पक्ष में है, या अखिलेश यादव पर भी आरोप लग रहे हैं, तमाम दलित चिंतक बुद्धिजीवी अपनी ये बात कह रहे हैं। उसकी वजह है, जैसे मायावती खड़ी हुई है इसके खिलाफ, उनकी पार्टी साथ है, क्योंकि वह जाटो समाज की सबसे ताकतवर प्रतिनिधित्व की पार्टी है दलितों में भी। इसी तरह आजाद समाज के नेता है, वो भी जाटो समाज के प्रतिनिधित्व के सबसे बड़े नेता इस समय युवा के रूप में उभर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये लोग साथ हैं। लेकिन जिनको संपूर्ण दलितों की बात करनी है वो फिर इनके साथ उस रूप में नहीं खड़े हो पा रहे हैं, क्योंकि बहुत साफ नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि जैसे मुसहर है, वाल्मीकि है, दूसरे समाजों के जो दलित लोग हैं, इसी तरह आदिवासियों में 76 जातियां हैं, उन समाजों के लोगों का एक हिस्सा इस बात से खुश है कि वर्गीकरण होना चाहिए, और इधर जो है दूसरा हिस्सा ये कहता है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे में यह असमंजस की स्थिति है कि वह पार्टियां सपोर्ट करें या ना करें, यह एक राजनीतिक असमंजस है। लेकिन मोटे तौर पर मुझे जितना समझ में आया है इनके ट्वीट या उनकी जानकारियां पार्टी नेताओं से बात करके, ये दोनों ही बड़ी पार्टियों के नेता, चाहे समाजवादी के अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, ये दोनों लोग मोटे तौर पर इस आंदोलन के साथ हैं, क्रीमी लेयर के भी खिलाफ हैं ये पार्टियां, पहले भी ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। साफ साफ खड़ा होने में जो दिक्कत मैं बता रहा हूं कि एक व्यापक दलित समुदाय में दोनों तरह का मत है, क्योंकि वर्गीकरण से कोई खुश सवर्ण नहीं हो रहा ना, वर्गीकरण से खुश दलित समाज का ही एक तबका हो रहा है, इसलिए इन पार्टियों का यह डायलेमा कहिए, द्वंद कहिए, इसलिए इनका जाना मुश्किल है, क्योंकि आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में चुनाव है, और आप समझ सकते हैं कि राज्यों के चुनावों में किसी एक समाज का वोट किसी एक इलाके में अगर इस तरह का भ्रम फैल गया तो जाहिर तौर पर इसका राजनीतिक नुकसान भी होगा, और इसलिए ये लोग इस समय साफ साफ पक्ष या विपक्ष में नहीं खड़े जी। बिल्कुल, तो आरक्षण का मुद्दा जो है शुरुआत से ही बीजेपी की गले की फांस बना हुआ है, लगातार इससे बीजेपी परेशान है। अभी यूपी में आप देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी अब जो कोर्ट का आदेश आ गया उसको लेकर देर रात भी तमाम शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पर प्रश्न चिन्ह लगता है, योगी सरकार भी कटघरे में खड़ी होती है। तो हालांकि योगी सरकार ने अभी कोई इस पर फैसला लिया नहीं है, कोर्ट का आदेश मानेंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या डबल बेंच जाएंगे, तो इसको लेकर आप क्या मानते हैं कि ये बीजेपी के लिए आरक्षण का जो मुद्दा है वो लगातार परेशानी में डाल रहा है? इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझना चाहिए कि आरक्षण का मुद्दा उन्हें परेशानी में नहीं डाल रहा है, बल्कि उनकी पूरी राजनीतिक समझदारी जो है वो आरक्षण विरोधी रही है। आप आरएसएस को जानते ही हैं, आरएसएस की पूरी थिंकिंग जिसको कहते हैं आइडियालॉग जो है आरएसएस के, वह अलग अलग समय में आरक्षण को खत्म करने की पैरोकारी करते रहे हैं। आरक्षण मानते हैं कि विकास और मेधा में बाधक, वो मानते हैं कि इंटेलिजेंट होने में बाधक है और सर्वोत्तम होने में बाधक है, ये बाकायदा वह दार्शनिक तौर पर आरएसएस इस बात को कहते हैं, और उसी आरएसएस से ये निकले हुए लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मौके बेमौके किसी राजनीतिक जरूरत या फिर जातिगत इक्वेशन को सेट करने के लिए तो आरक्षण के पक्ष में खड़ी हो जाती है, लेकिन नैसर्गिक तौर पर अगर हम समझें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने अलग अलग समयों में आरक्षण के खिलाफ बातें कही हैं। इसी आरक्षण के खिलाफ वाला एक पहलू ईडब्ल्यूएस भी रहा है, जिसकी सबसे बड़ी पैरोकार बीजेपी रही है और उसको लागू भी किया, लागू किया। तो इस दृष्टि से भी माना जाता है, जैसे दलित मानते हैं कि 10% हमारा ये खा गए, दलित पिछड़े 10% आपने ईडब्ल्यूएस बना,
उसको लेकर भी एक लगातार विमर्श रहता है। इसलिए अपने आप, जैसे कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, जैसे एक राजनीतिक सोच है बीजेपी की, उस राजनीतिक सोच की वजह से ये स्थिति भारत में क्रिएट हो जाती है कि आ बैल मार मुझे वाली हालत हो जाती है। जैसे लेटरल एंट्री की बात करें, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लेटरल एंट्री की शुरुआत कांग्रेस के समय में 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में इसकी शुरुआत हुई, भर्तियां हुई। लेकिन सवाल यह है कि इसको कंटिन्यू रखने के लिए कांग्रेस का बहाना क्यों लेना है साहब? आखिर ऐसे अधिकारियों को क्यों उठा के लेकर आना है जो कि प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं, आईआईटी में कहीं सीईओ है, कहीं कुछ है, आईआईटी की यूआईएम की, ऐसे लोगों को क्यों चाहिए? क्या आपके यहां पास किए हुए आईएएस या आईआईटी करके आए हुए लोग तकनीकी स्तर पर इतने उन्नत क्यों नहीं हो सकते? इसका बहुत सीधा मसला है कि जो सरकार को नीतियां बनानी होती है और जो सरकार को जन विरोधी पॉलिसीज पास करानी होती है उसमें ये सबसे आसानी से फिट होते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनियों से आते हैं, वो प्राइवेट कंपनियों के हित की तरफ से ही पैरोकारी शुरू करते हैं। तो इसलिए बीजेपी पेच में नहीं फंसती है, बीजेपी खुद आ बैल मार पेच लेती है, क्योंकि उसका वोट बैंक, जैसे आप भी लगातार पत्रकारिता में घूमते होंगे, आप देखेंगे कि बीजेपी का वोटर, चाहे वो सवर्ण हो चाहे कई बार अवर्ण भी होता है, वो आरक्षण विरोधी होता है। बहुत सारे बीजेपी के जो अवर्ण लोग हैं, जो कि सपोर्टर है बीजेपी के, वो मोटे तौर पर अपनी सुख सुविधाओं से जोड़कर कहते हैं आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, इस देश को बदल देना चाहिए। तो ये सोच का हिस्सा है, और जबकि दूसरी पार्टियां ये मानती हैं कि राजनीति के मूल में आरक्षण है और जब तक सामाजिक बराबरी नहीं हासिल हो जाती है आरक्षण नहीं होना, खत्म होना चाहिए। तो ये फर्क है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ये मानती ही नहीं कि सामाजिक गैर बराबरी कोई चीज होती है उनके फिलॉसफी में। वो मानते हैं कि भारतीय समाज तो पुराने तौर तरीकों से चलेगा और उसी की कोशिश में वो लोग लगे रहे। देखिए, एक प्रश्न आप कर रहे थे कि 69,000 भर्ती, 69,000 भर्ती के खिलाफ ये लोग, मतलब आप समझिए करीब 3 साल तक धरना देते रहे, और उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य से लेकर अनुप्रिया पटेल से लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से लेकर तमाम नेताओं से हाथ जोड़ी विनती की, सब किया, लाठियां खाई बेचारों, जी लाठियां खाई, मार खाए, तमाम पर मुकदमे ला दे गए, सब कुछ हुआ, उनकी एक नहीं सुनी गई। क्या कह रहे थे जरा वो बताइए? वो तो वही कह रहे थे जिसके 3 साल बाद हाईकोर्ट ने फैसला, और 3 साल लगा हाईकोर्ट को फैसला देने में। इस पर भी सोचने की जरूरत है, कहीं यह भी राजनीतिक असर तो नहीं था कि न ये 240 आते केंद्र में और न कोई जज इस तरह के फैसले लेने की हिम्मत और हिमाकत। हालांकि यह आउट ऑफ द बॉक्स जवाब है मेरा, लेकिन जिस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यह प्रश्न उठते हैं कि आखिर वो नौजवान जो इतने समय से कह रहे हैं कि आप आरक्षण को सही ढंग से लागू करो, पिछड़ों को सिर्फ आपने 3% आरक्षण दिया है, दलितों और आदिवासियों के भी 3-3% आरक्षण खा लिए हैं, यह आरोप जो लगाते रहे हैं, उस आरोप पर आज जाके सुनवाई होती है और उसमें भी उनकी पार्टी के अपने नेता केशव प्रसाद मौर्य अब खुशी मनाते हैं, स्वागत करते हैं, अनुप्रिया पटेल स्वागत करती हैं, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर आरक्षण को लेकर बिल्कुल दो फाड़ है। जो आप सवाल कह रहे थे ना कि फंस जाती, फंसती नहीं है, उसका नजरिया ही आरक्षण विरोधी है, और वो इसका सबसे माकूल उदाहरण है कि जब तक ये बेचारे नेता, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या अनुप्रिया पटेल हो, दबे रहे, या फिर मोदी को यह अंदाजा नहीं था कि इस आरक्षण विरोधी रवैयों के बावजूद मैं हारूंगा या कम सीटें आएंगी मेरी, इसलिए यह रवैया था, अब रवैया बदल गया है। लेकिन कुल ले देकर स्थितियां यह है कि आरक्षण को लेकर एक खत्म करने वाला नजरिया, एक सोच रही है, और उसका सबसे माकूल, ताकतवर और सबसे मौजूद उदाहरण यह 69,000 शिक्षक भर्ती वाला। तो बहुत बहुत आभार आपका अजय प्रकाश जी, हमें समय देने के लिए और बेबाक मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए, हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, भारत बंद क्यों बुलाया गया है और भारत बंद करने के पीछे क्या वजह है और सुप्रीम कोर्ट का वो क्या फैसला है जिसको लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अजय प्रकाश जी ने, इस पूरे मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखी। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पेशल कवरेज न्यूज़।